बैक फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन कॉमर्स स्ट्रीम का चैप्टर नंबर 5 लोकस एंड स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पाया है, मैं काफ़ी बिजी था मेरा शेड्यूल, बट अब से मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले एक महीने में, आने वाले अभी भी बहुत टाइम हमारे पास, अभी हम लोग का एक फैब है आज, हम लोग आने वाले एक से डेढ़ महीने में, मतलब आप लोग का एंड ऑफ द मार्च तक पूरा 11th का सिलेबस शुरू हो जाएगा और आप लोग का स्टार्टिंग मई से 12th का सिलेबस ऑन गोइंग कर देंगे, तो हम लोग ऑन टाइम तक 12th का भी सिलेबस कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड, उसका टेंशन आप लोग लो मत, हम लोग आज शुरू करते हैं 11th का। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने इसका चैप्टर नंबर 1-4 ऑलरेडी अपलोड है और मैथ पार्ट 2 का 1-5 ऑलरेडी अपलोड है, तो मिला जुला के बचे गिने हुए चैप्टर 6-7 चैप्टर और बचे हैं, तो मैं आने वाले जल्द से जल्द समय में कोशिश करूँगा कि एक महीने के अंदर अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप लोग को क्या करना है, आप लोग केवल कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, आराम से 11 जाएगा। ओके, एक लोकस एंड स्ट्रेट लाइन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट थोड़ा सा लंबा चैप्टर, इसमें थोड़ा 4 एक्सरसाइज है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग, तो उसका दिक्कत मतलब हम लोग 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करते हुए चलते हैं। तो चलो, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं। पहले जैसे डेफिनेशन ऑफ लोकस, मैंने आपके आपको सर्कल बना के रखा, आपको देख सकते हो, अभी सब बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो, आपको इसमें एक्सरसाइज 5.1, इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट आएंगे। सबसे पहला आपको जो कॉन्सेप्ट आएगा लोकस का आएगा, सेकेंड आएगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, और जो आप लोग जो क्लास 10th में आप लोग का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स पार्ट 2 का जो आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये याद, उसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, स्लो फार्मूला था, तो वहाँ उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो चलो, उससे बात की बात है, पहले आज शुरुआत तो करें छोटी सी, आज केवल कॉन्सेप्ट होगा, एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम लोग क्लियर कर देंगे, उसके बाद कल से 5.1 शुरू। चलो सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लोकस क्या है, डेफिनेशन ऑफ लोकस तो मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूँ। ओके, देखो सबसे पहली बात, चलो मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ। अगर आप भी नोट्स मेरा ऐसे देख के बनाएंगे, आप खुद से भी अपना नोट्स बनाते तो ऑल द बेस्ट, अगर आप नहीं बना पाते, अगर मेरा देख के भी मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप लिख लिए ना, आप गारंटी मानिए केवल उस नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। चलो देखते हैं, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टन ज्योमेट्रिकल ओके फ्रेंड, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, देखो इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन भी आएगा, फिर और कंडीशन, कुछ और कंडीशंस को भी हमें मद्देनजर रखते हुए इस कॉल्ड लोकस, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकस। ओके, आपको डेफिनेशन जो है आपके ऊपर से निकलेगा, बहुत लोग ऊपर से निकले हुए बोलेंगे दादा तूने क्या बताया रे, कि अ सेट ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस इस कॉल्ड लोकस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, मुझे भी पहली बार नहीं आया, जब मैं भी अपने समय में लोकस जब पढ़ा था तो मुझे भी पहली बार नहीं सब समझ में आया, अब तो आया ना, तो अब आपको भी आएगा, देखो कैसे आएगा। पहले आप इतना लिखे, लिख लो, इसको शॉर्ट चाहिए तो लो। सबसे पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ, ये क्या है कि सर्कल है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट भी होता है, सब तो आप लोग क्लास 10 में हो पड़े, समझो मैं मान लेता हूँ मेरा सेंटर पॉइंट ओ है, क्या है सेंटर पॉइंट ओ है, आपको इसलिए पता है कि सर्कल पर जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, अभी बहुत लोग बोलेंगे, देखो बहुत लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस इनफाइनाइट पॉइंट, देखो बहुत लोग तो नहीं, कुछ लोग तो जरूर बोलेंगे, सारी में बहुत बहुत बार बोल रहा, कुछ लोग बोलेंगे कि ज़्यादा इनफाइनाइट पॉइंट क्या होता है, कुछ समझते हैं, सपोज देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ओके क्या अभी आप बोलोगे ABCD सिखा रहे हो क्या, नहीं रहे, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई, पॉइंट जे, ऐसे होता है ना फ्रेंड, जे रहेगा ABCDEFGIJ रहेगा, परफेक्ट रहेगा जी, मैं सही बोल रहा हूँ, पॉइंट के एल, पॉइंट एम, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, मेरा कहने का मतलब है क्या समझो, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, इन के लिए आप गिन नहीं सकते,
इसका वेरिएबल है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर, इसमें आपको थोड़ा छोटा दिखेगा वाई फोर, एक्स फाइव वाई फाइव, एक्स सिक्स वाई सिक्स, ओके एक्स सेवन वाई सेवन। देखो ऐसे ऐसे जाएगा, तो आप देखो हम लोग का ए, हम लोग का पॉइंट ए पे क्या आ रहा है, एक्स का फर्स्ट वेरिएबल और वाई का फर्स्ट, बी पे क्या आ रहा है एक्स का सेकंड वेरिएबल वाई का सेकंड वेरिएबल, पॉइंट सी पे क्या आ रहा है एक्स का थर्ड वेरिएबल वाई का थर्ड। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यही हम लोग का लोकस होता है। लोकस पहली बात, एक चीज़ अपने दिमाग में, अगर आप तक अभी तक आप ये सोच के चल रहे हो कि लोकस कोई डायग्राम है, लोकस कोई फार्मूला है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। लोकस एक केवल कॉन्सेप्ट है। फिर बोलोगे कि क्या, देखो लोकस ना तो कोई डायग्राम है, लोकस ना तो कोई क्या फार्मूला भी लोकस का नहीं है, आज भी लोकस का फार्मूला डिफाइन नहीं हुआ है, ना लोकस का कोई डायग्राम है। ये अभी आप बोलोगे तो भाई यार आपने सर्कल के बारे में आपको समझाने के लिए बनाया, बट लोकस एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, यार द अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई, देखो इसको पढ़ो, अ सेट ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन, देखो मतलब प्लेन आप ऐसा ऐसा आप यहाँ से ऐसा एक लाइन भी आप ऐसा ले सकते हो, यहाँ पे एक सर्कल का एग्जाम्पल है, ऐसा लाइन भी ले ले सकते हो। अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, देखो ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एक्स फाइव वाई फाइव, एक्स सिक्स वाई सिक्स, एक्स सेवन एक्स सेवन वाई सेवन, एक्स एट वाई एट, एक्स नाइन वाई नाइन, एक्स टेन वाई टेन, एक्स इलेवन एक्स ट्वेल्व, एक्स एक्स ट्वेल्व वाई ट्वेल्व, एक्स थर्टीन वाई थर्टीन, ऐसे होते हैं ना। उन लोगों का क्या है, ये कंडीशन से इस कॉल्ड लोकस, उसी को लोकस कहते हैं। अभी आप ऐसा कर सकते हो, आप भी इसको अगर सर्कल का एग्जांपल नहीं पसंद है तो जाने दो, आप ऐसा एक लाइन मार के भी एग्जांपल दे सकते हो, उसको भी एक्स वन एक्स टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लोकस कोई नया डायग्राम है, लोकस ना कोई फार्मूला, लोकस केवल कॉन्सेप्ट है। क्या आप डेफिनेशन से भी बहुत मस्त है, अ सेट ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाइज विच सेटिस्फाई सर्टन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस और कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। अभी भी कुछ लोगों को लोकस समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, टेंशन जरा भी मत लो, जब लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो आपको को क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेंगे, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेंगे, देखो आपको लोकस से क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि आप फ्रेम करो इक्वेशन, आपको इक्वेशन फ्रेम करने को बोलेगा। जैसे देखो यहाँ पे आप एक स्टार अपने बुक में करो, लिखो इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस, आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको आपको कोई भी क्वेश्चन लोकस के रिलेटेड देगा और बोलेगा कि भाई तुम इसके बेसिस से मुझे इक्वेशन फ्रेम करके दो। इक्वेशन फ्रेम करना आपको आना चाहिए, इक्वेशन फ्रेम करने के लिए टोटल चार स्टेप होते हैं। अगर आपको आजू बाजू का थोड़ा भी नॉइज़ सुनाई देगा तो दोस्तों उसको इग्नोर करना, मैं भी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि नॉइज़ कम आवे, बट अगर आएगा तो इग्नोर करना, ओके। इसमें टोटल चार स्टेप लगेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट लिख लो, लेट पी, आप पी मान लो, एक्स और वाई को पी मान लो, बी ए पॉइंट ऑन द लोकस, बी ए पॉइंट ऑन द लोकस, जो मैं जो चार स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों आप लोग को ये समझो तो वरदान साबित होगा फ्रेम करने में। क्या बोला, लेट पी मानो किसको, एक्स और वाई, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई क्या दिया वेरिएबल, जैसे आप पी मान लो ऑन द लोकस, पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप देखिए। सेकेंड देखो, राइट अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन, राइट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ये मैंने कहाँ से लिया, डेफिनेशन से लिया, राइट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ये जी है, इसे कुछ और मत समझना, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब जैसे देखो कैसे, सपोज मैंने इसको मान लिया पी, इसको पी मान लिया, तो मैंने अपना पहला स्टेप कर दिया सेटिस्फाई। सेकंड स्टेप वाला राइट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इसका ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, इसका एक्स सेवन है वाई सेवन, तो वो मैं लिखूंगा, ओके। अब थर्ड क्या करना, कन्वर्ट करो, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो मिल गया ना आप लोग उसको कन्वर्ट करो, किसमें, कन्वर्ट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कन्वर्ट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कंडीशन बोलो, कंडीशनल बोलो, चाहे जो बोलो, कंडीशनल टू एक्स एंड वाई। क्योंकि देखो कभी भी इक्वेशन आप लोग क्लास टेन में साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व किए होंगे तो पता है, क्योंकि जो भी इक्वेशन मिलता है एक्स और वाई के ही दम पे मिलेगा, एक्स एक्स और वाई की मतलब कौन सा फाइनल करना था, तो वही आपका क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो आपको जो ज्योमेट्रिकल जो कंडीशन मिला उसको आप लोग क्या करो, कन्वर्ट करो, किसमें, एक्स एंड वाई में। एंड देन फोर्थ स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफाई करो, एक्स और वाई में उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको मिल जाएगा क्या, लोकस। फिर से छोटा सा दो मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, उसको पी आप मानो एक्स और वाई को,
फिर क्या करो उसका ज्योमेट्रिकल फंडेशन लिखो, फिर उसका ज्योमेट्रिकल फंडेशन कन्वर्ट करो एक्स और वाई में, बाद में उसको सिंप्लीफाई करो, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑन लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, इतने लोकस के कॉन्सेप्ट थे, फिर बोल रहा हूँ लोकस कोई भी ना डायग्राम है ना फार्मूला, लोकस एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको एग्जाम में फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। और लोकस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ओके, मैं चाहता हूँ आपको टेक्स्ट बुक से भी आपके बता सकता था, टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया है, पर टेक्स्ट बुक का ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड यूज़ हुए हैं, टेक्निकल वर्ड ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए मैंने बोला नहीं फ्रेम फ्रेम चलते। ओके, अभी आप लोगों ने लोकस सीख लिया, सॉरी एक मिनट, स्क्रीनशॉट आपको लेने का टाइम मैं दिया ही नहीं, ले लो भाई ले लो वरना गाली दोगे, इतना लिए बचे वेस्टेड पिज्जा है इसके बिना, इसको लिख लेना, लिख लोगे जिस आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा समझ में आएगा, क्या करूँ अभी फ़िलहाल मैं इतना करूँ कि लिखो, सिर्फ खाली लिखते चलो, अगर नहीं मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा, चैलेंज है आपसे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना मुझे नहीं समझ में आया, बट क्या करो पहले इसको लिखते चलो, जितना बोल रहा उतना लिखते चलो, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अपने आप सब कुछ आने लगेगा। तो आइए फ्रेंड मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, दोस्त मेरी बात है हरदम याद रखना, मैं आप लोग को देखो आप तक आपने मेरे मुँह से कभी भी आप लोग के लिए स्टूडेंट वर्ड नहीं सुने होंगे, मेरी बहुत सारी वीडियो अपलोड हो गई है, 100-200+ वीडियो, बट स्टूडेंट मैंने आज तक किसी को नहीं बोला है, तो मैं आपको दोस्त के तरह समझता हूँ, तो आप भी खाली काम करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप लिखते चलोगे ना लोकस आपको नहीं समझेगा, लोकस नहीं मैथ्स का कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा ना, जो खैर जितना बोल रहा हूँ आप लिखते चलो ऑटोमेटिक आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं देखता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो आपको एग्ज़ाम में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, लिख लो मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो, इसके बगल में क्या IMP लिख लो, एग्ज़ाम में टीचर लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से नहीं चाहता तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे ही देंगे। अगर आपका 12th के पेपर पैटर्न के हिसाब से हुआ तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस वाले अपने हिसाब से पेपर पैटर्न रखते हैं तो अपने हिसाब से रखेंगे तो फिर भी 2 मार्क्स का आपको आएगा ही आएगा, तो आप सीख लो बढ़िया तो 2 मार्क्स भी आपका फालतू का क्यों जाएगा। चलो इसके लिए मुझे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले देखो मैं आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट बहुत दोस्तों से बढ़िया सिखाऊंगा। देखो ऐसे आप ले लो, एक एरो ले लो, ठीक है, देखो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बनाने आता होगा, इतना आता तो समझो आपको सब आ गया। देखो ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इतना समझ में आया, आया कि नहीं आया, बस डन, अब आगे का आ जाएगा। ओके देखो ये हम लोग का क्या ओल्ड है, अब लोग अभी ओल्ड क्या भाई, ओल्ड इज गोल्ड नहीं बोल रहा, समझ में आ जाएगा। देखो मुझे एक और बनाने दो तो आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी समझाऊंगा तो आपके ऊपर आपके खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगा और बोलोगे क्या अरे बाबा तेरा तो समझ में ही नहीं आता। देखो समझाता है, ओके ये हम लोग का एक्स है और ये वाई है पता ही है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है लो पी है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी, कोई भी पॉइंट ले लो पी ले लो, देखो ये हम लोग लिए एक्स, ये हम लोग का एक्स था और ये वाई था, ठीक है, अगर समझो आप लोग, आप समझो मेरी बात समझो मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ, आप समझो खुद आप अपना लॉजिकल यूज़ करो, अगर ये चीज़ ऐसे है, अगर समझो मैं क्या कर रहा हूँ, नाम क्या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इसका स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, अगर मैं इसके ओरिजिन के साथ छेड़खानी करूँ, मतलब इसको मैं आगे पीछे करूँ, इसको मैं इसको इस जगह से हिला दूँ, समझो मेरा ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, मैं इसको मतलब आगे की तरफ क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये इधर से उठ के इधर आ जा रहा है, मतलब इसका जो ये जो दोस्तों क्या था ओरिजिन था ये उठ के इधर आ गया। ओके मतलब हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया, क्या हो गया हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो और कुछ नहीं ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो हम लोग का यहाँ से उठ के इधर आ गया, ओरिजिन शिफ्टेड। ओके फ्रेंड यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी, आप एक चीज़ कमाल से देखो जो पी है ना पी दोस्तों पी को आप देखो इस तरीके से देखो एक पी का वैल्यू हम लोग का इधर एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, पी एक इस पॉइंट पर आ रहा है और पी एक इस पॉइंट पर आ रहा है ना, एक चीज़ देखो ये हम लोग का क्या ओल्ड है, ओल्ड ओरिजिन, ये हम लोग का क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ये हम लोग का न्यू कोऑर्डिनेट्स है, ये हम लोग का ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। देखो मैं यहाँ पे आपने पेंसिल से आप लिखना, मैं पेन से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हम लोग का क्या ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है,
ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है और ये हम लोग का क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स है, न्यू कोऑर्डिनेट्स है। परफेक्ट, कोई डाउट, कोई शक, आर्मी में बोलते हैं ना कोई शक, अरे यार आर्मी में नहीं आप लोग बट सीखो। ये हम लोग का ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट। देखो अगर सब समझो, यहाँ पे पॉइंट वन है, टू है, थ्री, तो देखो यहाँ पे वन टू, यहाँ पे वन टू थ्री, तो देखो ये पी का या पी का जो है ये न्यू कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट टू होगा और ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट थ्री होगा। क्यों? क्योंकि इसका शिफ्ट ओरिजिन हो गया है। तो देखो जहाँ इधर से स्टार्ट हो रहा था अभी इधर से हो रहा था, सीधी सी बात इसके पॉइंट में फ़र्क हम लोग को दिखेगा ही दिखेगा, दिखेगा 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 दिखेगा, बस समझ लो, समझे। कभी भी एग्ज़ाम में बात याद रखना, मैं आपको कुछ अभी फार्मूला दूंगा, बस वो फार्मूले याद रख लो। आपको एग्ज़ाम में क्या दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको भी बता भी सकता हूँ। आपको एग्ज़ाम में क्या रहेगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बोलेगा न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करो, नहीं तो न्यू कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बोलेगा ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करो, नहीं नहीं देखो कभी कभी क्या होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट दोनों दिया रहेगा, बोलेगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब देखो इसके भी कोऑर्डिनेट, इसके भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बोलेगा कि इसके ओरिजिन का फाइंड आउट करो। तो बहुत ईजी है इसका फार्मूला, देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला बता रहा हूँ, लिख लो, सॉरी थोड़ा सा इसको ध्यान मत देना, खटपट हो गया। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या है, लिख लो, एक्स और वाई। देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग डिनोट करते हैं, सॉरी ये फार्मूला नहीं है, मैं कब से फार्मूला चिल्ला रहा हूँ। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स और वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं, ये डिनोट करने का साइन है। और न्यू कोऑर्डिनेट्स को हम लोग, न्यू कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। और शिफ्टेड ओरिजिन, शिफ्टेड ओरिजिन किससे हम लोग डिनोट करते हैं, शिफ्टेड ओरिजिन हम लोग एच और के से देखते हैं, एच के इस्तेमाल बड़ा कुछ भी ले सकते हो। और फार्मूला क्या होता है, देखो ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना, ये फार्मूला आपको लाइफ टाइम तो नहीं बोलूँगा, क्लास इलेवेंथ में लोकस जब जब सॉल्व करोगे तब तक काम आएगा। तो कौन सा, देखो ये फार्मूला है, ओके, स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स कैपिटल प्लस एच और वाई इक्वल टू स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस के। ये दोनों फार्मूला याद रख लो, दोनों जो बॉक्स के फार्मूला याद रखो, क्या स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच, फिर स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में। इसी फार्मूले के दम पे आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, देखो ये हम लोग का इसमें क्या आपको दे देगा, एक्स और एच की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कैपिटल एक्स एच फाइंड करो, वरना ये एक्स और ये एक्स दे देगा, बोलेगा का ये एच एच फाइंड करो, ऐसे कुछ भी देगा, बट सिंपल है। स्क्रीन शॉट चाहिए तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का ले लो। इसी के साथ हम लोग का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे लोकस के खत्म होते। देखो चैप्टर का नाम क्या, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 5.1 जो आप लोग का पूरा लोकस के ऊपर बेस्ड है। और लोकस के दो, और लोकस के दो दो पार्ट है, कौन कौन से, सबसे पहले लोकस खुद है और सेकेंड पार्ट इसका क्या है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। एक्सरसाइज 5.2, 5.3 जो है वो सब आपका स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड है, जब पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एक छोटा सा जय हिंद।